राष्ट्र की प्रथम नागरिक हमारी आदरणीय परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया इस अवसर पर अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करने पधार रही हैं। स्वागत द्वार पर परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महोदय भी उपस्थित होंगे। शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अमृत महोत्सव वर्ष के कार्यक्रमों के शुभारंभ के अवसर पर परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है। हम गौरवान्वित हैं कि आज उनकी गरिमामय उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का लाभ हमें प्राप्त होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान रमेश बैस जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री विकास पुरुष के नाम से विख्यात हमारे प्रिय सांसद महोदय, हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र शासन श्री हसन मुशरिफ जी, एक बार पुनः करतल ध्वनि से मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। ४९४७ में शुरुआत हुई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और नए भवन का निर्माण 1952 में हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण हुआ, कॉलेज का बिल्डिंग का निर्माण 1957 में हुआ था और बड़े सौभाग्य की बात है कि तब हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों उस बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ था। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि पहले राष्ट्रपति महोदय का हमें आशीर्वाद मिला, उसके बाद जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का आशीर्वाद हमें आज मिला और अमृत महोत्सवी वर्ष पर हम अपनी राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद पाने जा रहे हैं। ७५ वर्षों की इस यात्रा में जीएमसी ने 20 मिलियन से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं, जो कि पूरे विश्व में इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने वाले बहुत कम अस्पताल हैं, जिनमें से जीएमसी नागपुर है। साल भर में ओपीडी में 5,00,000 से अधिक मरीज आते हैं, 10,000 से अधिक सर्जरीज, 22,00,000 से अधिक इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर किए जाते हैं, 3,700 लोगों की ये जो टीम है पूरी तरह से प्रशिक्षित टीम, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी का समर्पण भाव इन 75 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती जो मानवता के समक्ष आई थी कोविड के रूप में, उस समय जिस सेवा भाव से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के पूरे स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी,
वो बहुत सराहनीय है, साधुवाद का पात्र है और अनुकरणीय है। इस यात्रा में जो पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, जिनका योगदान रहा है, उस योगदान को भी हम रेखांकित करने जा रहे हैं। प्रातिनिधिक स्वरूप में उनमें से चार विभूतियों का यहाँ सम्मान भी होगा, साथ ही इस यात्रा को रेखांकित करने वाली स्मारिका का विमोचन और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी यहाँ पर होगा। शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हम सब आतुर, प्रतीक्षित और उत्सुक हैं। परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत है। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम बड़े नम्र भाव से आपका अभिवादन करते हैं। राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। विनम्र निवेदन है परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तथा सभी मंचासीन अतिथि कृपया इस दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय प्रकाशित रहे सेवा और समर्पण का प्रकाश हम सारी मानवता में बांटते रहें, यही कामना है। और अब समय है आप सभी के प्रति हमारी स्वागत भावनाओं को शब्द देने का। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अधिष्ठाता शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय डॉक्टर राज गजभिये जी को कि वे कृपया स्वागत भाषण दें। वेलकम स्पीच by Dr. Raj Gajbhiye, Dean, Government Medical College, Nagpur.
नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस टुडेज एस्टीम्ड चीफ गेस्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अ बीकॉन ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन हु पर्सोनिफाइज द स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द नेशंस प्रोग्रेस एन एम्बॉडीमेंट of wisdom and experience, Shri Ramesh Ji Bais, the Governor of Maharashtra, a man with mission and vision for infrastructure development across India, Honorable Shri Nitin Ji Gadkari, Minister of Road, Transport and Highways, Government of India, a visionary leader with a steadfast commitment to the progress of Maharashtra and with a special bond for our Government Medical College, Nagpur, Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Ji Fadnavis, a source of optimism for healthcare system of Maharashtra, Shri Sanjeev Mushrif, Honorable Minister of Medical Education of Maharashtra, ladies and gentlemen present here, esteemed guests, dear alumni, faculty, and dear students, with a heart full of pride and immense gratitude, I stand before you today as a contributor to the medical fraternity, as the chairman of the Platinum Jubilee Celebration Committee, and as one of the prestigious GMC's alumnus. We gather here to mark a milestone to celebrate the remarkable journey of 75 years since the inception of Government Medical College and Hospital Nagpur. A journey that began with a vision and has, over the decades, shaped countless lives and medical careers. GMC Nagpur has been a beacon of medical excellence, which has been made possible by the tireless efforts of our esteemed teachers over the years, which have left an indelible mark on the legacy of this institution. Their dedication and expertise have been instrumental in shaping the minds that have significantly contributed to the field of medicine globally. Our institution's reach is widespread, and it humbles me to say that our GMC Nagpur serves countless patients daily, benefiting many from our indoor facilities. We remain steadfast in our commitment to ensuring that all government schemes reach the most vulnerable, serving not just the people of Maharashtra, but also our neighbors in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Andhra Pradesh. We envision a future where GMC Nagpur stands not just as a leading medical institution in India, but as a globally recognized center for medical excellence and innovation. We aspire to be at the forefront of cutting-edge research, patient care, and medical education, ensuring that every individual, irrespective of socioeconomic status, receives world-class medical treatment. We aim to expand our horizons, create partnerships with international medical institutions, and facilitate knowledge exchange that benefits our students, faculty, and community at large. Hazaro khwaishe aisi ki har khwaish par dam nikle, bahut nikle mere armaan, lekin fir bhi kam nikle. This share by Mirza Ghalib perfectly encapsulates our boundless ambitions. While we have achieved much, our desires for this institute's growth and contribution to humanity still need to be discovered. I am immensely proud to mention that many of our alumni have been honored with the prestigious Padma Awards, the Magsaysay Awards, and B.C. Roy Awards. We feel proud that many of our alumni are rendering administrative services as bureaucrats, hold the post of MPs and MLAs, and some are serving the society as ministers in the government, in state and center. Our philanthropists, the revered Amtes, Bunks, Satavs, Saujis, Kolles, and a few more have exemplified selflessness, continuously enriching our legacy with their contributions. Many of our alumni have immensely contributed to the field of research, showcasing our global reach and impact. In conclusion, as we stand on the cusp of a brighter future, let our shared history inspire us to scale greater heights and make
even more significant impacts in the field of medicine. I wish all the esteemed alumni a great time during Platinum Jubilee celebrations, which will be cherished for a long time. Thank you all for being witness of this historical event. I welcome you all once again. Thank you very much for a patient hearing. Thank you so much, Dr. Raj Gajbiye ji. आज से शुभारंभ हो रहा है प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस का और उत्सव चलता रहेगा जिसमें अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रमों का आनंद हम सब उठाएंगे. अब समय है इस मंच पर सभी सम्माननीय अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान का. सर्वप्रथम हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत डीन गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर डॉक्टर राज गजभिये करेंगे. शॉल श्रीफल एवं सम्मान चिन्ह प्रदान कर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी. आपने हमारे स्नेहिल आमंत्रण को स्वीकारा और अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया, इसके लिए आपका आभार. तत्पश्चात हार्दिक स्वागत हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान रमेश बैस जी का. इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय. स्वागत के इस क्रम में अब स्वागत है हमारे प्रिय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्रीमान नितिन जी गडकरी का. देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले श्रीमान नितिन जी गडकरी. हार्दिक स्वागत हमारे प्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी का. इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया, इसके लिए आपका आभार. तत्पश्चात हार्दिक स्वागत श्रीमान हसन मुशरिफ जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र राज्य. आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हम कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं. धन्यवाद. जब कोई संस्थान अपना अमृत महोत्सव मनाता है तो सेवा और समर्पण के 75 वर्षों की यात्रा में जिन विभूतियों ने अपना योगदान दिया, उनके योगदान को रेखांकित करना वो अपना कर्तव्य समझता है. इसी के प्रतीक स्वरूप हमारे चार पूर्व विद्यार्थी जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, एक विशेष योगदान इसके लिए उनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ. सम्मान के क्रम में सबसे पहले सम्मानित करें डॉक्टर बीजे सूबेदार जी, जो संस्थान के पहले बैच के विद्यार्थी रहे हैं और आज भी सीनियर मोस्ट प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, मेडिसिन क्षेत्र के भीष्म पितामह माने जाते हैं, 96 वर्ष की आयु में भी मानवता को समर्पित हैं. बेस्ट टीचर, डिस्टिंग्विश्ड टीचर, बेस्ट सिटीजन और प्रोफेशनल एक्सेलेंस के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके डॉक्टर बीजे सूबेदार जी को आज ये संस्थान अपने अमृत महोत्सवी वर्ष में सम्मानित कर रहा है. आपकी यह सेवा यात्रा यूं ही चलती रहे, यही शुभकामना है. हिज मैसेज टू द यंग डॉक्टर्स इज अटेंड क्लासेस एंड बेड साइड डिस्कशंस रेगुलरली, यू विल बी अ मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन.
आज ये संस्थान जिस भूमि पर स्थापित है वह 196 एकड़ की भूमि संस्थान को जिनके बहुमूल्य योगदान के रूप में प्राप्त हुई वे थे स्वर्गीय कर्नल सर कृष्णा जी विष्णु कुकड़े जी, जो पहले इंडियन सर्जन जनरल थे, उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी एडवोकेट दिनकर कुकड़े जी उनकी ओर से ये सम्मान स्वीकारेंगे। वे महिला शिक्षा के पायोनियर्स में से रहे, ब्लाइंड रिलीफ स्कूल की स्थापना से संबद्ध रहे और सदैव सेवा भाव में रत रहे। उन्होंने इसी सेवा भाव से संस्थान को भूमि प्रदान की थी। इसके पश्चात स्वर्गीय शकुंतला गोखले जी की स्मृति में विश्व स्तरीय लेक्चर हॉल के निर्माण हेतु निधि प्रदान करने वाले गोखले परिवार की ओर से श्री रवि लिमये जी, 1961 बैच की स्वर्गीय शकुंतला गोखले जी प्रसिद्ध ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थीं, समाज सेवी थीं और उनकी स्मृति में अत्याधुनिक लेक्चर हॉल का यहाँ निर्माण किया गया है जो आज देश को समर्पित होगा। सम्मान के इस क्रम में प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद गिरी, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, विनर ऑफ मेनी अवार्ड्स, अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही वॉज द विनर ऑफ आइडियल स्टूडेंट अवार्ड इन 1995 एंड 96 एंड दैट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग। आफ्टर दैट ही हैज़ वन सो मेनी अवार्ड्स थ्रू आउट हिज करियर, डॉक्टर प्रमोद गिरी। इन सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस शुभ अवसर पर एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त लेक्चर हॉल का उद्घाटन अब यहाँ संपन्न होगा। मैं परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से इस हॉल का डिजिटल उद्घाटन करें। संस्थान की पूर्व विद्यार्थी 1961 बैच की डॉक्टर शकुंतला गोखले की स्मृति में स्थापित। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह डॉक्टर शकुंतला गोखले मेमोरियल हॉल का उद्घाटन संपन्न हुआ। शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के 75 वर्षों को रेखांकित करते हुए आज यहाँ डाक विभाग की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से एक विशेष डाक टिकट जारी करने का भी निवेदन किया गया है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती शोभा मधाड़े को, और निवेदन है हमारी सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कृपया इस विशेष डाक टिकट का विमोचन करें। अगले अनेक वर्षों की सफल यात्रा की शुभकामनाओं के साथ रिलीज ऑफ दिस स्पेशल पोस्टल कवर ऑन द ओकेजन ऑफ प्लैटिनम जुबली ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभी मंचासीन अतिथिगण। इस अवसर को और अधिक अविस्मरणीय बनाने के प्रयासों के तहत अब इस मंच पर एक स्मारिका और एक कॉफ़ी टेबल बुक का प्रकाशन किया जाना है। मैं माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य श्रीमान रमेश बैस जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने कर कमलों से स्मारिका का विमोचन कर उसकी पहली प्रति हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया को समर्पित करें। इस स्मारिका के संपादन में डॉक्टर अगरकर, डॉक्टर आरती आनंद और डॉक्टर सुरेश चांडक का बहुमूल्य योगदान रहा है। द सोविनर कमेमोरेट्स द प्लैटिनम जुबली ऑफ दिस एस्टीम्ड मेडिकल कॉलेज। तत्पश्चात कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। द कॉफी टेबल बुक प्रिपेयर्ड बाय पद्मश्री डॉक्टर अशोक गुप्ता ऑफ 1968 बैच कंटेन्स द मेमोरीज ऑफ पास्ट 75 ईयर्स ऑफ जीएमसी नागपुर। जीएमसी नागपुर फ्रॉम इट्स मॉडेस्ट बिगिनिंग्स
to becoming a renowned center of medical education and healthcare. We celebrate this journey. Bahut bahut dhanyawad, Maniya Rajyapal Mahoday. Aur iske pashchat ab samay hai manchasin atithiyon ka aashirwad lene ka aur unki shubhkamnaen prapt karne ka. Is kram mein sarvpratham main aamantrit karti hoon Maharashtra Rajya ke Chikitsa Shiksha Mantri Shriman Hasan Mushrif ji ko ki ve kripya hame apni shubhkamnaen aur aashirwad pradan karein. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल माननीय रमेश जी भाई साहब, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब और सभी उपस्थित महानुभाव, मेडिकल कॉलेज नागपुर का अमृत महोत्सव तब मनाया जा रहा है जब मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मंत्री हूं और महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई और नागपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मेडिकल कॉलेज का कुल क्षेत्रफल 232 एकड़ है और उस उक्त भूमि का स्वामित्व नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केवी कुकड़े के पास था। कुकड़े के स्वामित्व वाली भूमि उन्होंने नेक उद्देश्यों के लिए एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को उपहार में दी। वर्तमान में इससे 2200 इन पेशेंट बेड, 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 90 बेड का ट्रामा केयर सेंटर के साथ 250 छात्रों और 231 स्नातकोत्तर छात्रों की नामांकन क्षमता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर में बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराया गया है और एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ एक अत्याधुनिक गहन देखभाल इकाई का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के भव्य संकुल में कैथ लैब, डायलिसिस यूनिट, न्यूरो सर्जरी यूनिट इत्यादि के साथ ICU, NICU और PICU, लेबर रूम, अत्याधुनिक MRI, सिटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उक्त कॉलेज में कई दिग्गजों के समर्पित योगदान का गवाह रहा है। 1946 में कर्नल AN बोस का प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टर्शरी देखभाल केंद्र जो छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ साथ मरीजों को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता बदली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। इस दशक में राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में नए डॉक्टर तैयार किए जाएंगे और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानदंडों के अनुसार राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के 1432 पद सृजित किए गए हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। राज्य में मौजूदा सरकारी कॉलेजों के श्रेणीवर्धन, नए प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एशियाई विकास बैंक EDB से लगभग 4000 करोड़ का शासन से ऋण स्वीकृत हो गया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से करीब करीब 5500 करोड़ का लोन लेने का प्रस्ताव भी है। इस संबंध में कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उक्त निधि के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाएं प्रदान कर उन्नत करने की योजना है। देश स्तर पर नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-2024 में केंद्रीय बजट में मेडिकल कॉलेज के अलावा 157 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी देने की घोषणा की गई है। इस तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के BSc नर्सिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नर्सिंग, तकनीकी, गैर तकनीकी सवर्ग में कुल 5182 पदों भरने की प्रक्रिया हो गई है। इसके भर्ती में
TCS कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया तहत की गई है, जल्द ही पोस्टिंग हो जाएगी। चिकित्सा शिक्षा, आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन राज्य के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ दवा और अति विशेषोपचार की सुविधा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसरूप विकसित भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मेरा विभाग चिकित्सा शिक्षा संस्थान में उच्च शिक्षित और कुशल जनशक्ति और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हमारा विभाग बीमारी निवारण के साथ साथ बीमारों रोकथाम के उपायोजना में भी अग्रणी है। महायुति सरकार चिकित्सा अनुसंधान के संचालन के लिए इस सुविधाएं प्रदान कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में अपेक्षित है। ये सब हम बना के दिखाएंगे, इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आज इस प्रोग्राम में आकर हमारे सभी लोगों के उत्साह बढ़ाया, इसलिए मैं आपके आपका और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हसन मुशरिफ जी। जीएमसी की अब तक की यात्रा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के प्रिय उपमुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी से अब मैं सभा को संबोधित करने का निवेदन करती हूँ। एक उत्कृष्ट प्रशासक, उत्कृष्ट वक्ता के रूप में प्रसिद्ध श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, परमादरणीय राज्यपाल जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गडकरी जी, श्री हसन मुशरिफ जी, हमारे डीन डॉक्टर राज गजभिये जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से यहाँ पधारी हुई जीएमसी नागपुर की सारी एलुमनाई फैटर्निटी, हमारे सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक, सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं जीएमसी नागपुर के इस प्लैटिनम जुबली समारोह में उद्घाटक के रूप में पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से और जीएमसी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। सामने हमारे कई साथी बैठे हैं, उनमें से कोई एमपीज है, कोई एमएलएज है, कोई अलग अलग पदों पर है, जो यहाँ से डॉक्टर बने और अलग अलग क्षेत्रों में अब काम कर रहे हैं। और आज जिन लोगों का हमने सत्कार भी किया, वे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे नागपुर की और देश की गरिमा बढ़ाई है। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मुझे बताया गया कि इस प्लैटिनम जुबली समारोह के लिए अमेरिका से 97 साल के डॉक्टर सिद्धम यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये जो लगाव अपनी संस्था के साथ यहाँ पर लोगों का है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संस्थान जिस समय बना, उस समय एक वक्त ऐसा था कि एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको देखा जाता था, और तब से लेकर लगातार लोगों की सेवा
इस संस्थान ने की है और करोड़ों लोगों को चिकित्सा देकर उन्हें उत्तम आरोग्य मिले, इस प्रकार का प्रयास किया है और भारत को बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स देने का काम भी इस संस्थान ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में जीएमसी नागपुर को देखा जाता है। मेरे लिए तो जीएमसी नागपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेरा जन्म भी जीएमसी नागपुर में ही हुआ है, तो मेरी तो ये जन्मभूमि ही है। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है, जिस समय ये कॉलेज बना उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय के हिसाब से अहेड ऑफ टाइम्स था, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद उसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता थी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि अब फिर एक बार प्लैटिनम जुबली के वर्ष में हमारे जीएमसी नागपुर को एक नया स्वरूप दिया जाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने 550 करोड़ रुपए ये जीएमसी नागपुर को दिए हैं और इसका पूरा स्वरूप हम लोग अत्याधुनिक कर रहे हैं और काम भी शुरू हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि प्लैटिनम जुबली ईयर समाप्त होते होते जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको इसका बदला हुआ चेहरा देखने को मिलेगा और एक बहुत ही आधुनिक इस प्रकार का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उस प्रकार से इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर्स हम लोग बना रहे हैं, आधुनिक मशीनरी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, हमारे हॉस्टल्स नए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, नई नई इमारतें भी तैयार हो रही है, प्लेग्राउंड भी नए रूप से तैयार हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर तैयार हो रही है। तो एक प्रकार से अगले 50 वर्षों की तैयारी इस प्लैटिनम जुबली वर्ष में हमारा जीएमसी नागपुर निश्चित रूप से करेगा। और अभी अभी हमारे हसन मुशरिफ जी ने जिस प्रकार से बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति को उत्तम अति उत्तम इस प्रकार की चिकित्सा मिले, उस दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार जो पहल कर रही है उसमें एक बड़ा योगदान हमारा जीएमसी नागपुर भी देगा। मुझे यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहिए कि हमारा जो आईजीएमसी है नागपुर का, उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उसको भी आधुनिक बनाया जाए। और ये दोनों हमारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अपनी आधुनिकता के साथ निश्चित रूप से सभी को सेवा और चिकित्सा देंगे। मैं इस मौके पर हमारे डीन डॉक्टर राज गजबिये और यहाँ की पूरी टीम को, हमारे सभी प्रोफेसर्स को, सभी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को और विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार से इस कॉलेज को चलाते हैं जिससे निश्चित रूप से लोगों की सेवा होती है। ये कार्य आपका ऐसा ही चलता रहे, इन शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी। और इस शुभ अवसर पर अब अपनी शुभकामनाएं देने हेतु मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन व राजमार्ग श्रीमान नितिन जी गडकरी को आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के
परम आदरणीय राज्यपाल रमेश भाई जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, वैद्यकीय शिक्षा मंत्री आदरणीय हसन मुशरिफ जी, हमारे जीएमसी के डीन डॉक्टर राज गजबीय जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे जीएमसी नागपुर के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी नागपुर आई है, इसका निमंत्रण मैंने उनको दिया था और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हम सब का उत्साह बढ़ाया है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नागपुर ये विश्वविख्यात है, उसमें से 0 माइल देश का नागपुर में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरी विशेषता नागपुर की है, क्योंकि नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर्स है, जिसके कारण नागपुर को अब टाइगर कैपिटल भी कहने लगे हैं। पर इन तीन विशेषताओं के साथ जो चौथी बात जो है, जो विश्व में नागपुर को प्रसिद्ध किया है जिसने, वो है नागपुर का मेडिकल कॉलेज। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब सीपीएन बेरार था और रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर बारलिंगे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब नागपुर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। कुकड़े जी ने जो जगह दी, उसके उपयोग होकर आज इस मेडिकल कॉलेज ने हजारों नहीं तो लाखों लोगों के जीवन को सराहने का काम किया है। जैसे देवेंद्र जी का जन्म यहाँ हुआ है, वैसे मेरा जन्म होने के बाद मेरी तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी और मैं भी यहाँ एडमिट हुआ था। लोग कह रहे थे कि मेरी जान बचना मुश्किल है, तब मेडिकल के डॉक्टरों ने मेरी जान बचाई, ये भी इतिहास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व में आप अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, जब भारतीय डॉक्टरों की मुलाकात होती है तो ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जो विश्वविख्यात हैं, जिनकी पढ़ाई शिक्षा नागपुर के मेडिकल कॉलेज में हुई, इस बात का हमें बहुत अभिमान है। आज ऐसे बाहर में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे अनेक डॉक्टर आज यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने इस कॉलेज के नवनिर्माण के लिए 550 करोड़ रुपए दिए हैं और इसका बहुत अच्छा प्लान करके कार्य हो रहा है। मैं जब पालक मंत्री था तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था और उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए उद्घाटन के लिए निमंत्रित करने के लिए मैं दिल्ली भी गया था। नागपुर में विशेष रूप से गरीब लोगों को मेडिकल कॉलेज का आधार है और मैंने राज गजबीय जी को एक प्रार्थना की थी कि हमारे नागपुर और विदर्भ की, पूर्व विदर्भ की एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो कम्युनिटी में बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी है। अभी मैंने 30 बच्चों के जान बचाने के लिए मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, ऑपरेशन कराया, तो कम से कम 3 करोड़ रुपए लगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि नागपुर में शायद ये सिकल सेल और थैलेसेमिया और बोन मैरो की सबसे बड़ी आवश्यकता देश में अगर किसी शहर में आवश्यक होगी तो वो नागपुर में है। भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और विशेष रूप से गोंदिया, या 4 जिलों में लाखों की तादाद में ये पेशेंट है। और इसलिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि
विशेष रूप से इस अमृत महोत्सव के बीच में ही यहाँ बोन मैरो की भी शुरुआत होगी, इस बात के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है कि हमारे आम गरीब आदमी जो है, जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको अच्छी से अच्छी वैद्यकीय सुविधा बहुत अच्छे तरीके से लगभग निःशुल्क प्राप्त हो। आयुष मंत्रालय के द्वारा अनेक योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र जी ने जो पर्याप्त राशि दी है, जो मास्टर प्लान बन रहा है, उसके आधार पर निश्चित रूप से चाहे सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं नागपुर और विदर्भ की जनता को मेडिकल कॉलेज में प्राप्त होगी। मुझे भी इस बात की भी खुशी है कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से तेलंगाना, यहाँ से भी पेशेंट नागपुर में आते हैं। नागपुर एक प्रकार से मेडिकल हब बन गया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से नागपुर में जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी बेड फुल हो जाते हैं। कोविड के समय विशेष रूप से हमें बहुत चिंता थी, पर उस समय नागपुर के डॉक्टर, नागपुर की नर्सेस, नागपुर का मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी, इन लोगों ने लोगों की बहुत अच्छी सेवा की। उसमें मेडिकल कॉलेज भी अग्रसर था और आज एक संस्था के इतिहास में 75 साल पूरे करना, ये एक इतिहास है। इतिहास की एक विशेषता होती है कि इतिहास हर समय भविष्य में क्या होगा ये सोचता है। वर्तमान काल में जो लोग कार्य करते हैं वो भविष्य का वेध लेना स्वाभाविक भी है, पर भविष्य का वेध लेते समय, वर्तमान काल में काम करते समय गौरवमय भूतकाल को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले, अपने जीवन को अर्पित करने वाले डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से हुए। इतना ही नहीं तो पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड यहाँ के अनेक डॉक्टरों ने हासिल किए। इतना ही नहीं तो दुनिया के, विश्व के अनेक देशों में डॉक्टर के रूप में अच्छा कार्य करके नागपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जिन्होंने बड़ा किया है, ऐसे भी अनेक डॉक्टर हैं। और इन सब लोगों ने अपने कार्य और कर्तृत्व से और अपने विशेष रूप के उनके अध्ययन से उन्होंने मेडिकल कॉलेज को भी प्रतिष्ठा दी और उनको भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। मुझे बहुत खुशी है ये गौरवशाली इतिहास को आज इस अमृत महोत्सव के शुभारंभ में हम याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जिन्होंने राजनीति में, प्रशासनिक सेवा में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। कुछ हमारे बीच में है, कुछ शायद नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने भी विश्व में, देश में एक बहुत अच्छा नाम कमाया, वो ही के विद्यार्थी थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कॉलेज का ये गौरवमय इतिहास ये केवल कॉलेज के लिए नहीं, कॉलेज में जो डॉक्टर है, विद्यार्थी है, कर्मचारी है, उनके लिए नहीं तो नागपुर के लिए, विदर्भवासियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी एक गौरवशाली इतिहास है। और इस गौरवशाली इतिहास के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के समय मैं उन सब लोगों को जिनका योगदान है, जिनका सहभाग है, जिनका कर्तृत्व है, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनका विशेष रूप से इस क्षेत्र का ज्ञान, जिसने इस इतिहास को बहुत गुणात्मक रूप से विकसित किया है, उन सब लोगों को मैं आदरपूर्वक उनका अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यही विश्वविख्यात संस्था, यही रेपुटेशन आगे बढ़ता रहेगा, इसी विश्वास के साथ परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हमारे इस खुशी के क्षण में इस कार्यक्रम के लिए आई, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान नितिन जी गडकरी और शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के इस अवसर पर
अब मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें, धन्य करें हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के प्लैटिनम जुबली समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस्य जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री हसन सुश्रीप जी, इस कॉलेज के डीन डॉक्टर राज गजिए जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। ये प्रतिष्ठित संस्थान पिछले 75 वर्ष से हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सराहना करती हूँ। इस अवसर पर मैं इस कॉलेज की स्थापना में योगदान देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल A.N. वॉश, डॉक्टर जीवराज मेहता, कर्नल K.B. कुकड़े जैसी विभूतियों का भी सादर स्मरण करती हूँ। GMC नागपुर वर्ष 1947 से ही ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करता रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना छाप छोड़ी है। उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार, डॉक्टर B.C. रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रकाश आमटे को समाज सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुआ है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इस प्रसिद्ध में GMC नागपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस संस्थान में न केवल 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है और 6 वर्षों से सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम चल रही है, बल्कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा केयर सेंटर द्वारा ज़रूरतमंदों को चिकित्सा सेवा में प्रदान की जा रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्य के लोगों भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने आ रहे हैं। देवियों और स्वजन, चिकित्सा सस्ती और सुलभ हो ये किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कोविड की अभूतपूर्व महामारी ने हमें एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के महत्व को गहराई से अनुभव कराया है। डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की निरंतर मेहनत का भी परिणाम था कि भारत अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन शीघ्रता से कर पाया। डॉक्टर्स की संख्या में कमी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने में एक प्रमुख बाधा है। हाल के वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय भविष्य में सबको उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। चिकित्सा सुविधाओं में असमानता भी एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार जिला अस्पतालों से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ये योजना चिकित्सा शिक्षा के अवसरों में क्षेत्रीय असंतुलन और शहरी ग्रामीण विभाजन को कम करने में सहायक होगी। स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ ये भी जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवा लोगों की पहुंच में हो।
गरीब लोग धन के अभाव में चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने के बावजूद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। मैं हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के सरकार की पहल की सराहना करती हूँ। हेल्थ से जुड़ी व्यक्तिगत रिकॉर्ड मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। डॉक्टर्स भी इस रिकॉर्ड के जरिए सही डायग्नोसिस कर पाते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के जरिए किसी व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड्स आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। ये एक ऐसी पहल है जिसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए सुगम और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे देश में ऑर्गन डोनर्स की कमी है। ये कमी ना केवल ज़रूरतमंदों को लंबी प्रतीक्षा के लिए मजबूर करती है बल्कि अंगों के अवैध कारोबार को भी बढ़ावा देती है। इस कमी का प्रमुख कारण है लोगों में जागरूकता का अभाव। लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसीलिए मेरी मेडिकल फटर्निटिल के सभी लोगों से अपील है कि जनता को इस बारे में जागरूक करने का प्रयास करें। मेंटल हेल्थ भी एक बड़ी समस्या है जिसका सहानुभूतिपूर्ण निदान आवश्यक है। मुझे खुशी है कि जीएमसी नागपुर ना केवल मरीजों का इलाज कर रहा है बल्कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहा है। पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन भी एक सराहनीय कदम है। देवियों और स्वजनों, अस्वस्थ और कमजोर लोगों की देखभाल करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे चिकित्सकों को हमारी परंपरा में उच्च स्थान प्राप्त है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वे लोगों को नया जीवन देते हैं। डॉक्टर्स हमारे देश के एसेट्स हैं। उनके ऊपर देशवासियों को स्वस्थ रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है ज्ञान, धैर्य और सेवा। आपको मन लगाकर ज्ञान अर्जित करना है और लोगों की धैर्य के साथ सेवा करनी है। चिकित्सा में बढ़ते हुए तकनीकी प्रयोगों से स्वास्थ्य व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर को नई दिशाएं प्राप्त होगी। ऐसे में आवश्यक है कि जीएमसी नागपुर अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार रखे। टेक्नोलॉजी के जरिए उत्तम सुविधा जन जन तक पहुंचे, ये आपका प्रयास होना चाहिए। मेरे विचार है मैं जीएमसी नागपुर को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है तथा अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए रोल मॉडल बनना भी चाहिए। आपके संस्थान की यात्रा स्वाधीन भारत की यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। जब भारत की स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरी होंगे तब जीएमसी नागपुर भी अपने स्थापना की शताब्दी मनाएगा। भारत को 2047 से पहले एक पूर्ण विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपने भी अपनी संस्था के भविष्य की रूपरेखा बनाए होंगे। मैं खुशी हूँ कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने हम लोगों के सामने इसके डेवलपमेंट के लिए मेडिकल ये मॉडल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 500,000 से 5,500 रुपया डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। मुझे लगता है ये सब सुविधा आगामी पीढ़ी आगामी 50 साल के मीन्स 100 साल से ऊपर की और सोच रहे हैं आगे के सोच रहे हैं। ये बहुत ही शुभ को शुभंकरी चिंता है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ।
आपको तय करना है कि भारत की इस विकास यात्रा में आप कैसे योगदान करेंगे। मेरे विचार में आपको मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में देश को अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। आपको ऐसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे पूरे विश्व के लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आना चाहें। साथ ही आपको ऐसे प्रयास भी करने चाहिए जिससे भारत की एक मेडिकल इनोवेशन हब के लिए भी पहचाना जा सके। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि जीएमसी नागपुर आने वाले समय में न केवल भारत के बल्कि विश्व के शीर्ष मेडिकल कॉलेजेस में अपना स्थान सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया। हम सब कृतज्ञ हैं आपके आशीर्वचनों के लिए। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं सभी सम्माननीय अतिथिगण। सभी लोग अभी अपने स्थान पर ही रहें। सभी लोग कृपया अभी अपने स्थान पर ही रहें। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सभी के लिए ओवल ग्राउंड में हाईटी की व्यवस्था